आपने देखा कि खेसारी लाल यादव के बचपन, देखिए यह खेसारी लाल यादव के चाचा का घर और चाचा का क्या पहले इन दोनों लोग का था। देखे इंटरव्यू नहीं, बाकी आप मिलिए हमारे साथ, हजारों फोटो खिंचाइए, हम खिंचाएंगे। क्यों चाचा, देख पा रहे हैं बगल में, थोड़ा सा दिखा दीजिए, वो राजदूत गाड़ी है। तो क्या पूछना, आप तो करोड़ों की गाड़ी पे चल रहे हैं। तो उड़ रहा है आकाश। खेसारी लाल यादव के घर के चाचा, मतलब चाचा हैं उनके। और देखिए ये खेसारी लाल यादव की पुरानी गाड़ी, अब देखिए किस प्रकार जर्जर हो चुकी है, पड़ी हुई है। लेकिन इसको ये लोग बेच नहीं रहे हैं क्योंकि एक निशानी है, उस निशानी को ये लोग बना करके यहाँ पर रखे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। आपने देखा कि खेसारी लाल यादव के बचपन का वो तस्वीर है जिसपे इस, मतलब इस बाइक से घुमा करता। अब ये कौन सी बाइक है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए क्योंकि इसका इंजन काफ़ी बड़ा है, बुलेट की तरह लग रहा है। लेफ्ट साइड में इसका किक भी है और, लेकिन ये सिस्टम देख करके नहीं लग रहा है कि बुलेट है, न जाने कौन सी गाड़ी है। चलिए इनके चाचा से मिलते हैं तो उनसे पूछने का हम लोग प्रयास करते हैं। और यहाँ से देखिए आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये इनके चाचा के गाय भैंस जहाँ बांधी जाती हैं वहीं का एरिया है और हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अभी। चलिए इनके चाचा घर पर चलते हैं और वहाँ से बात करने का प्रयास करते हैं और उनसे कुछ उनके यादगार मोमेंट को भी उन्हीं से जानने वाले हैं। देखिए इनके गाँव की तस्वीर है, अगल बगल के व्यू है और देखिए, और यहीं बगल में ही यहाँ पर पास में उनका घर है चाचा का। चले चलते हैं वहीं पर और वहीं से मिलते हैं तो उनसे बात करने का हम लोग वहीं पर प्रयास करते हैं। और उस पर मंगरूलाल यादव और मेघनाथ यादव और खेसारी ब्यास करके ऐसे कुछ उनके घर पर लिखा हुआ है। ये देखिए घर रहा इनका। चलिए पास में चलते हैं और वहीं से आपको जो दिखाने का प्रयास करते हैं। रोड देखिए काफ़ी अच्छा रोड तो बना हुआ है। देखिए ये रहा इनका घर। चाचा है नहीं कहा इनके घर वहाँ कहाँ गए? अच्छा देखिए ये छठ की बेदी है, उसको देख सकते हैं। ये रहा इनका घर और देखिए ऊपर लिखा है मंगरू यादव, मेघनाथ यादव और खेसारी ब्यास करके ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। देखिए यह खेसारी लाल यादव के चाचा का घर और चाचा का क्या पहले इन दोनों लोग का था। देखें खेसारी ब्यास भी इस पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार का इनका ये घर है और बगल में इनके गाय भैंस वाला सिस्टम वहाँ पर है। ये अभी चाचा है नहीं, बात हुआ है लेकिन अभी शायद घास वगैरह के लिए गए हैं खेत साइड या फिर कहीं और हैं। तो चलिए खोजते तो हम लोग गाँव से बाहर निकल चुके हैं लेकिन एक दुकान पर जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पर मेघनाथ चाचा हैं कि नहीं। मेघनाथ नाम है खेसारी लाल यादव के चाचा का। तो अभी देख पा रहे हैं कैमरे के फ्रेम में खेसारी लाल यादव, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के चाचा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग आए थे तो लगभग काफ़ी समय इंतजार किया गया और लेकिन फाइनली मुलाकात हो चुका है और इंटरव्यू के लिए हम लोग सोचे कि थोड़ा सा इनसे बात कर लिया जाए लेकिन इनका कहना है कि ऊपर से आदेश आया है, जो हीरो है मना किए हैं। क्यों चाचा? हाँ वो हीरो ही मना किए हैं ना कि मतलब खेसारी लाल यादव जैसे, क्योंकि विवाद बड़ा रहता है यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के रिपोर्टर हैं उसको इधर उधर भिड़ाने का काम करते हैं, उसीलिए इनका कहना है कि इंटरव्यू नहीं, बाकी आप मिलिए हमारे साथ, हजारों फोटो खिंचाइए, हम खिंचाएंगे। क्यों चाचा? जी हाँ, हजारों फोटो खिंचाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटरव्यू के लिए नहीं आइएगा। फिलहाल हम लोग मुलाकात किए हैं और काफ़ी हंसमुख हैं और देख ही पा रहे हैं और कुछ जानकारी हम लोगों ने इनसे इकट्ठा किया खेसारी लाल यादव जी के बारे में, चूँकि अब जब ग्राउंड पर आएंगे धरातल पर तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आती हैं। चलिए फिलहाल हम लोग इस समय रसूलपुर चट्टी के बगल में गांव है जहां पर कि खेसारी लाल यादव का पैतृक गृह है, वहीं पर हम लोग थे और इनके चाचा जी से हमारी मुलाकात हुई, अभी पिताजी से मुलाकात हुई, वो वीडियो तो आपने देखा होगा। फिलहाल ये चाचा जी उनके थे और बगल में यहीं पे इनकी एक गाड़ी है, वो देख पा रहे हैं बगल में, थोड़ा सा दिखा दीजिए, वो राजदूत गाड़ी है, पहले इसी से चला करते थे। चलिए पहले इसी से चला करते थे उस समय जब उनका संघर्ष का दौर था, लेकिन अब तो क्या पूछना, अब तो करोड़ों की गाड़ी पे चल रहा है। तो उड़ रहा है आकाश में, हवा से बात कर रहा है। चलिए चलिए ऐसे ही और तरक्की करते रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर देखा कि जो खेसारी लाल यादव के चाचा है उनसे मुलाकात तो हो चुका है लेकिन फाइनली इंटरव्यू के लिए राजी नहीं हुए, चूंकि ऊपर से मना किया गया था इसलिए वो इंटरव्यू के लिए उन्होंने कहा कि इंटरव्यू ना लीजिए हमसे, फोटो वगैरह क्लिक कराना तो करा सकते हैं। और चूंकि ऊपर से कहा गया है क्योंकि विवाद हो जाता है बार बार इनके शब्दों में, अगर कहीं हेर फेर हो जाता है तो इसलिए ऊपर से मना किया गया है। चलिए फिलहाल हम लोग उनके घर पर थे, आपने उनके घर को भी देखा कितने बड़े तरीके, बड़े पैमाने पर उसको बनाया जा रहा है। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और ऐसे ही सफ़र के साथ।